CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 1। आइए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग 1 का 21वां सबक। वहीदुद्दीन सलीम, सफा नंबर 166, तारुफ कता। रुबाई की तरह कता भी आम तौर पर चार मिसरों की नज्म होता है, लेकिन रुबाई और कते में दो बातों के लिहाज से बुनियादी फर्क है। रुबाई के लिए एक बहर और उसकी कुछ शक्लें मखसूस हैं, और रुबाई के तीन मिसरों का हम काफिया होना जरूरी है। इसके चारों मिसरे भी हम काफिया हो सकते हैं। इसके बरखिलाफ कते की शर्त यह है कि इसमें मतला नहीं होता, यानी इसके पहले के दोनों मिसरे हम काफिया नहीं होते। कता क्लासिकी शायरों के यहां अमूमन गजल के अशार में मिलता है। कता बंद अशार गजल के अंदर दो भी हो सकते हैं और दो से जायद भी, लेकिन आजकल के ज्यादातर शोरा ने कते को रुबाई की तरह सिर्फ चार मिसरों तक महदूद कर दिया है। सफा नंबर 167, तारुफ़े शायर वहीदुद्दीन सलीम, 1869 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक। वहीदुद्दीन सलीम माहिरे लिसानियात, सहाफ़ी, मुतर्जिम, कामयाब मुसन्निफ़ और शायर थे। उन्होंने पहले मफ्तों और फिर सलीम तखल्लुस इख्तियार किया। पानीपत में इब्तदाई तालीम हासिल की। कम उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया। 1882 ईस्वी में मिडिल स्कूल का इम्तिहान पास किया। इसके बाद लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में तालीम जारी रखी। तालिबे इल्मी का ज़माना गुरबत में बसर हुआ। एक दोस्त की वसातत से ईजरटीन कॉलेज भावलपुर में असनाए मशकिया के उस्ताद की जगह पर उनका तकर्रुर हो गया। हाली ने 1894 ईस्वी में उन्हें अलीगढ़ बुलवाया और सर सैयद से मुलाकात करवाई। 1907 ईस्वी में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के इदारत के लिए उन्हें मदु किया गया। क़याम अलीगढ़ में वहीदुद्दीन सलीम ने अंजुमन मुतरजमीन कायम की थी, जिसका मकसद अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू में मुंतकिल करना था। जब हैदराबाद में जामिया उस्मानिया कायम की गई तो निसाब की किताबों को तालिबे इल्मों के लिए उर्दू में तर्जुमा करने की ज़रूरत पेश आई। रास मसूद और बाज़ दूसरे हजरात ने सलीम को हैदराबाद बुलवा लिया। यहाँ तर्जुमे के काम को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए वज़ा इस्तिलाहात की कमेटी बनाई गई। इसमें मुख्तलिफ उलूम की किताबों का तर्जुमा करने के सिलसिले में इस्तिलाहात साजी की ज़रूरत पेश आई। जब शोबाए उर्दू का क़याम अमल में आया तो उन्हें प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। आखिरी ज़माने में सेहत की खराबी के बाइस मलियाबाद चले गए, वहीं उनका इंतकाल हुआ। सफ़ा नंबर 168, दावत इनकलाब, शायर वहीदुद्दीन सलीम। क्या लेगा खाक मुर्दए उफ्तादा बन के तू, क्या लेगा खाक मुर्दए उफ्तादा बन के तू, तूफान बन के है तेरी फितरत में इनकलाब। क्यों टिमटिमाते कर्म के शब ताप की तरह, बन सकता है तू औजे फलक पर अगर शहाब। वो खाक हो के जिससे मिलें रेजा हाय जर, वो संग बन के जिससे निकलते हैं लाले नाप। चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवाज रख बुलंद कि तू बन सके अकाब। वो चश्मा बन के जिससे हूँ सरसब्ज खेतियाँ, वो चश्मा बन के जिससे हूँ सरसब्ज खेतियाँ। रहरो को तू फरेब ना दे सूरते सराब। सफा नंबर 169, मश्क,
لفظ و معنی افتادہ گرا پڑا ہوا کرم کے شبتاب جگنو اوج بلندی شان عروج شہاب ستارے کا نام لالے ناب گہرے سرخ رنگ کا قیمتی پتھر عقاب چیل کی شکل کے ایک بڑے پرندے کا نام سراب رہ گزر جس پر دور سے پانی کا گمان ہو مطلب فریب نظر یا دھوکا غور کرنے کی بات اس قطعے میں انسانی قوت اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی کوششوں سے ہر مشکل کو آسان بنا سکتا ہے سوالوں کے جواب لکھیے سوال نمبر ایک انقلاب سے شاعر کی کیا مراد ہے سوال نمبر دو انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت کس میں ہے سوال نمبر تین شاعر انسان کو کس طرح کا چشمہ بننے کے لیے کہہ رہا ہے سوال نمبر چار شاعر انسان کو چڑیا بننے کی بجائے عقاب بننے کی ترغیب کیوں دے رہا ہے عملی کام اس قطعے کو بلند آواز سے پڑھیے اس قطعے کے آخری تین اشعار خوش خط لکھیے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے اوج مردہ فلک سرسبز اس قطعے میں شاعر نے جن الفاظ کے ساتھ اضافت کا استعمال کیا ہے ان کی نشاندہی کیجیے اسی کے ساتھ نوائے اردو بھاگ ایک کا 21واں سبق یہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد سبق 22 آتا ہے پرستتی CIET NCERT نئی دلی بھارت